चलो आज जो टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या हमारा, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग बोलो, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में ये यहाँ से आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक बात समझ के रख कि जरूरी नहीं है कि आज आया दो तीन साल तक नहीं आया, ये जनरली 3 साल अगर एग्जाम हो रहा है ना तो 2 साल हमेशा ये चैप्टर होता ही होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको मैंने अपना लिस्ट का 3rd चैप्टर में ही मैंने इसको डाल दिया। एक पिछले चैप्टर कौन सा कराया था, मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा वहां से। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट से बहुत चांसेस है, 90% चांस है कि ये रिपीट होगा, पिछले साल भी आया है, इस बार भी आएगा ही आएगा। तो चलो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देख, कॉन्ट्रैक्ट वाला सिचुएशन तब आता है जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को बोलता है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, हमारा ये काम करवा दो। मान लो क्या हुआ, एक घर बनाना है, हाउस बनाना है, जिसके लिए इस बंदे को इसने बोला इसको कि मेरे लिए घर बना दो। किसने बोला, इसने बोला इसको। तो ये बंदा कौन हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर। और किसके लिए घर बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्टी के लिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। बी का घर बना रहा है कौन, ए बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा बी को कि देखो भाई हम घर बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट बांध दो। फिक्स्ड अमाउंट बांध दिया गया, कितना, 10 लाख रुपया बांध दिया गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। ठीक है, तो जब भी एक बंदा दूसरे बंदे को एक लमसम अमाउंट पे क्या करता है, फिक्स करता है कि मेरा ये काम कंप्लीट करवा दो, ठीक है, मैं तुमको इतने पैसे दे दूंगा, वो सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात हमारी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक झमेला है, क्या जो बड़े बड़े के छोटा कॉन्ट्रैक्ट तो कम टाइम में हो जाता है, लेकिन जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको करने में 2-3 साल लग जाते हैं। जैसे कितना घर भी तो लगता है ना, घर बनता है, अगर बड़ा सा बंगलो बनाया जाए तो तेरे को लगता है 1-1.5 साल लग ही जाता है। अगर फ्लाईओवर, हम लोग का सिलीगुड़ी में होना, फ्लाईओवर बन रहा है तो बनते जा रहा है, कब से बन रहा है। ये मेरी एक स्टूडेंट आके बोलती है उस दिन कि सर हम अभी 3rd ईयर में है, सर हम लोग क्लास तो हम 12 में थे तब से बन रहा है, अब बेचारी ग्रेजुएट हो जाएगी। तो फ्लाईओवर बन ही रहा है तो 4-5 साल लग गया। तो बोलने का मतलब क्या है, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा लग जाता है, तो 1 साल के एंड में मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तुझे दिया गया और 1 साल के एंड में सिर्फ इतना ही काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब अगले साल कंप्लीट होगा, तो हम लोगों को ना एक चीज निकालना जरूरी हो जाता है कि 1 साल में पार्शियल कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, पार्शियल कंप्लीटेड है ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, तो 1 साल के अंदर हम यहां से कितना प्रॉफिट अर्न कर पाए, ये पता करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मान लो पूरा अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता तो तुम क्या करते पता है, तुम बोलते सर 10 लाख रुपया मिला और टोटल मेरा खर्चा हुआ 8 लाख रुपया, 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम फॉलो करने वाले हैं अभी प्रॉफिट निकालने का, वही मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूं और वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन होगा कुछ बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या समझे, ये कॉपी करते जाना तुम लोग, सबसे पहले क्या समझे, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्या हो गया, वो अमाउंट जितने पे फिक्स हुआ है। ठीक है, क्या फिक्स हुआ है, 10 लाख रुपया पे हमारा फिक्स हुआ है। अब ये जो 10 लाख रुपया हुआ है इसका 2 पोर्शन होगा। फर्स्ट पोर्शन को बोला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस और दूसरे को बोला जाएगा वर्क नॉट डन। जैसे मान लो मैंने भी क्या बताया था, ये एक 10 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मान लो ये हाउस नहीं है, फ्लाईओवर है और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 10 लाख और हमने कितना कंप्लीट किया, मान लो इतना कंप्लीट किया। तो बोला जाएगा, मतलब 1 साल के एंड का बात बोल रहा हूं, इतना कंप्लीट हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है और ये क्या है मेरा, ये मेरा है वर्क नॉट डन। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो काम हुआ ही नहीं है उसका कैलकुलेशन अगले साल देखेंगे, हम लोग इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं वर्क इन प्रोग्रेस का। अब वर्क इन प्रोग्रेस का असल में 2-3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है वर्क सर्टिफाइड, दूसरा होता है वर्क अनसर्टिफाइड और तीसरा होता है रिजर्व। देख क्या होता है,
वर्क सर्टिफाइड मतलब जब देख मान लो मैंने बोला था कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इतने का, कितने का कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं कॉन्ट्रैक्टी हूँ मान लो कॉन्ट्रैक्टर हूँ हाँ, और कॉन्ट्रैक्टी कौन है बी है, मैं ए हूँ और बी कॉन्ट्रैक्टी हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्टी को बोला कि भैया हमने 10 लाख में से 6 लाख का काम कंप्लीट कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्टी को बोला, तो कॉन्ट्रैक्टी मेरा बात पे विश्वास कर लेगा ना? कॉन्ट्रैक्टी आके चेक करेगा, आके चेक करेगा कि सच में 6 लाख का काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो वो आया या तो वो खुद आएगा या फिर अपना इंजीनियर को भेजेगा और इंजीनियर आके क्या करेगा यहाँ पे चेक करेगा। तो जनरली क्या होता है ना कॉन्ट्रैक्टी लोग ना कभी संतुष्ट नहीं होते कॉन्ट्रैक्टर से, वो बोलेगा कि ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा बोलेगा। मेरे हिसाब से 6 लाख का काम कंप्लीट हो गया है, वो आके चेक किया, वो बोला कि नहीं भैया ये 6 लाख जो बोल रहे हैं गलत है, इसमें से सिर्फ 5 लाख का काम हमारे हिसाब से करेक्ट हुआ है। किसके हिसाब से? कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से। तो जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टी अपना सर्टिफिकेशन दे दिया मतलब एग्री हो गया कि हाँ ये भाई काम कंप्लीट हो चुका है, उसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब 5 लाख रुपया क्या हो गया? वर्क सर्टिफाइड हो गया। 1 लाख रुपया जो पोर्शन है कॉन्ट्रैक्टर बोल जाए कि काम कंप्लीट हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्टी बोल जाए कि नहीं भाई काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको बोला जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। ये तो मेरे हिसाब से ना मुझे तो लग रहा है कि काम कंप्लीट हुआ है ठीक है लेकिन उसने सर्टिफिकेशन नहीं दिया ठीक है। तो ये वर्क क्या होगा 5 लाख और 1 लाख ये सर्टिफाइड हो जाएगा या अनसर्टिफाइड हो जाएगा। और रिजर्व जो है क्या होता है ना हम लोग जब अकाउंट ये फ्लाईओवर बना रहे हैं तो 1 साल के अंदर कुछ फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद जब आगे का बात करेंगे तो हो सकता है ना कि फ्यूचर में कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस लग जाए, या फिर मान लो फ्लाईओवर बना रहे थे और एक पाया गिर गया अगले साल, तो बना हुआ काम को वापस से करना पड़ेगा ना। मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोलूंगा कि भैया आपका 10 लाख में काम कंप्लीट नहीं हुआ, आप 10 लाख दिए थे इसलिए पाया गिरा है, आपको 2 लाख और देना पड़ेगा, ऐसा बोलूंगा तो मानेगा वो क्या बोलेगा कि भाई जो 10 लाख फाइनल हुआ है उसी में काम कंप्लीट करा, तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लग सकता है कि नहीं लग सकता है? उसके लिए हमारा एक क्वेश्चन और आएगा रिजर्व, ये रिजर्व का कैलकुलेशन मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब करा बता दूंगा इसके बारे में ठीक। अच्छा वर्क नॉट डन मतलब वो बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन, उससे कोई मतलब भी नहीं अपने को ठीक है। तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझे, एक कॉन्सेप्ट सर्टिफाइड एक अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड मतलब मैंने काम किया उसने अलाउ कर दिया, दूसरा मैंने काम किया वो अलाउ नहीं किया, सर्टिफाइड नहीं किया, पक्की बात है सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। अब कितना काम कंप्लीट हुआ है 5 लाख, अब मान लो कि ये फ्लाईओवर बनाने में 2 साल लग गया ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि देख काम कंप्लीट करते हैं और पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरे को 10 लाख देना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है ना? मैं क्या बोलूंगा थोड़ा काम खत्म होगा और उसको जाके बोलूंगा कुछ पेमेंट करवाइए ना, कुछ हमको पेमेंट दीजिए ना, ऐसे ही होता है जनरली। तो मैं बोलूंगा उसको मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बोलूंगा कि देखो भाई 5 लाख का काम कंप्लीट हुआ, दे 5 लाख तो दे दे हमको। तो वो क्या बोलेगा 5 लाख देगा तेरे को? कितना देगा? 5 लाख क्यों नहीं देगा ये बता। क्यों नहीं देता? पैसा अगर पूरा नहीं दिया तो क्या करूंगा मैं पता है? 5 लाख अगर मेरे को पूरा 5 लाख दे दिया मैं आधा फ्लाईओवर बनाकर छोड़ दूंगा, गाड़ी ऊपर तो जाएगा उसके बाद और ऊपर चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो रिकॉर्ड करके वो उसका तो पूरा फ्लाईओवर हुआ नहीं ना, वो और ऊपर चला जाएगा, बोलो करूंगा मतलब काम छोड़ने का चांसेस है। इसीलिए वो क्या करता है इसका कुछ पोर्शन तुझे देगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कैश रिसीप्ट बोलूंगा, कुछ पोर्शन मिलेगा, पूरा 5 लाख नहीं मिलेगा, सर्टिफाइड का कुछ पोर्शन ही मिलेगा और कुछ पोर्शन नहीं मिलेगा जिसको बोलेंगे रिटेंशन मनी, याद रखना ठीक है। कुछ पोर्शन मिलेगा मान लो 5 लाख में से 4 लाख रुपया मिला और कॉन्ट्रैक्टिंग ने क्या बोला भैया 1 लाख रुपया तो अभी देने वाले नहीं है बाद में हिसाब करना, समझ सब लोग समझ रहे हो ना बात हमारी ठीक है। तो कुछ टर्म जो है क्या क्या टर्म समझे तुमको याद कौन कौन सा टर्म रखना है, सर्टिफाइड वाला टर्म याद रखना है, ये वाला टर्म याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, इतने चीजों को याद रखना है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड रिजर्व कैश रिसीप्ट और रिटेंशन लिख लिए। अब सम्स के अकॉर्डिंग इसको समझने का कोशिश करते हैं ठीक है। तो देखो तुम लोग के पास जो पीडीएफ गया हुआ है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में पता है इनकम का एक ही सोर्स है, वो कौन सा बोलते पैसा जो मिलेगा सर, ये कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ही हमारा इनकम का सोर्स है और कोई सोर्स नहीं, लेकिन खर्चे का सोर्स बहुत ज्यादा है, जैसे मटेरियल से इनटू साइट, ये खर्चा है ना इनकम है, खर्चा है चल बहुत अच्छे। फिर लेबर एंगेज्ड इन ऑन साइट मतलब लेबर चार्जेस लगा हमारा, ये भी खर्चा है। प्लांट इंस्टॉल्ड
हमने प्लांट लगाया, क्यों मशीन वगैरह लगाई नहीं तो फिर काम कैसे होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस खर्चा है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अभी मटेरियल रिटर्न टू स्टोर का बात समझते हैं, हमने मान लो 100 रुपया का मटेरियल सेंड किया तो क्या बोलेगा 100 रुपये का खर्चा हो गया, और मान लो वहां से 10 रुपीज का मटेरियल वापस आ गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में 100 रुपया का खर्चा हुआ या 90 का खर्चा हुआ? 90 का हुआ ना। तो रिटर्न टू स्टोर को हम लोग एज एन इनकम पकड़ेंगे, ठीक है, कि इनकम हो गया हमारा, ठीक है। फिर और एक चीज समझाता हूँ, मान लो कि हमने क्या किया 100 रुपया का मटेरियल सेंड किया तो हम क्या दिखा रहे हैं 100 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन 10 रुपया का मटेरियल साइट पे बचा हुआ है तो क्या मेरा पूरा 100 रुपया का मटेरियल लगा? कितना का लगा? तो हम क्या बोलेंगे वो 10 रुपया जो बचा हुआ है उसको क्या ट्रीट करेंगे? इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 5 चीजें होती है जो हमेशा इनकम की तरह ट्रीट होती है। इसका लिस्टिंग करवा रहा हूं, जरा लिख लो, ठीक है, डिक्टेट कर देता हूं मैं। ये मटेरियल सेंड टू साइट को खर्चा हो गया, ठीक है, इनकम में कौन जाएगा? ठीक है, इनकम में कौन जाएगा? पहला मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट। दूसरा मटेरियल इन हैंड, मतलब क्लोजिंग डेट में, हाँ मटेरियल इन हैंड ओपनिंग भी हो सकता है, ब्रैकेट में लिख ले क्लोजिंग डेट। नेक्स्ट मटेरियल सोल्ड, मटेरियल सोल्ड, हमारा जहां कॉन्ट्रैक्ट था वहां बगल में किसी और का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उसका मटेरियल खत्म हो गया, वो आके हमको बोला कि भैया थोड़ा सा मटेरियल दे दो ना हमें, तो हमने क्या किया, लो भाई ले जाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक। फिर मटेरियल लॉस्ट, अब बोलोगे सर लॉस्ट को इनकम बोल रहे हो, ये खर्चा है लॉस है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का लॉस नहीं है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपया का मटेरियल भेजा, कहां पे साइट पे भेजा, मैंने मैं दिखा रहा हूं 100 रुपया का खर्चा हो गया लेकिन कितने का मटेरियल लॉस्ट हो गया, 10 रुपये का लॉस्ट हो गया। तो उस जो कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग बना रहे पर्टिकुलर चीज, क्या वहां पे 10 रुपया का मटेरियल लगा, क्या उसमें यूज हुआ? तो कितना यूज हुआ वहां पे? 90। ये 10 रुपया लॉस है लेकिन उसको अलग जगह पे ट्रीट किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉस नहीं है क्योंकि वो बाहर हो गया, ठीक है। तो हमारा खर्चा कितना हुआ है? सिर्फ 90 हुआ है, इसलिए उसको इनकम की तरह क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एक और लिख लो, मटेरियल स्टोलेन, मटेरियल स्टोलेन, मटेरियल जनरली डेबिट साइड में जाएगा बट ये वाला मटेरियल कहां जाएगा? हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, पक्की बात है। ये वाला मटेरियल कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखो कहां थे, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में थे। फिर देख वेजेस अक्रूड दिया है, अक्रूड याद है, आउटस्टैंडिंग अक्रूड, फाइनल अकाउंट वाला कंसेप्ट, ठीक है। मतलब वेजेस का कुछ पोर्शन देना बाकी है, क्या करते थे हम लोग फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते थे, ठीक है। तो जहां जहां वेजेस है वहां पे आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फिर बोला है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, अभी लिखाया तुम लोगों को। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अक्रूड है, अक्रूड है मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक। नीचे क्या बोला, प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाना क्या है तुमको, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से क्वेश्चन देखता हूँ, स्टार्टिंग से क्वेश्चन दिखाता हूँ। मटेरियल सेंड टू साइट दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, प्लांट दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दिया हुआ है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, वर्क सर्टिफाइड दिया है, मटेरियल ऑन हैंड दिया है। फिर बोला है कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? वेजेस अक्रूड दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड दिया है, और फिर वैल्यू ऑफ प्लांट बोला है क्लोजिंग डेट में, ऐसा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सारे चीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यूज होते हैं। नीचे बोला है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हैज बीन एग्रीड एट रुपीज 2,50,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 1,80,000। You are required to prepare number one contract account showing profit, और दूसरा बोला है contractee account, उसके बाद बोला हुआ है बैलेंस शीट में क्या क्या इसका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं contractee और बैलेंस शीट वगैरह करने वाला नहीं, वो मैं दूसरे बाद में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चलते हैं। अभी कॉपी करने की कुछ जरूरत नहीं है, अभी आराम से तुम लोग पहले इसको देखना।
ये जस्ट इंट्रो चल रहा था अभी तक, अभी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो अभी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया फॉर द ईयर एंडेड कब, 31 मार्च 2000 कितना है देखो, 31 दिसंबर है, दिसंबर 2005 दिया। चल अब ये हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं अपने, अभी आराम से तुम लोग इसको कॉपी कर, कॉपी मत कर पहले देख ले अच्छे से। ये हमारा नॉर्मल अकाउंट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मटेरियल डालेंगे, एकदम याद रखना है बनाना क्या एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और सबसे पहले क्या करना है मटेरियल डालना है, ठीक है। बेसिक अकाउंट्स का फंडा है, इधर खर्चा डालेंगे इधर इनकम डालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मटेरियल का काम करेंगे, तो मटेरियल से रिलेटेड जो कुछ भी दिख रहा है तुझे डाल दे। तो मटेरियल से रिलेटेड क्या दिख रहा है, सबसे पहले मटेरियल सेम टू साइड है, टू मटेरियल सेम टू साइट कितने का, 85,349। चल उसके बाद देख तो नीचे मटेरियल के बारे में कुछ बोला है, एक लाइन है ना नीचे 1.456 में, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मैंने क्या बोला था इसको कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड में, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। क्यों, ये हमारा खर्चा कॉन्ट्रैक्ट में ये खर्चा नहीं हुआ है, कितना रिटर्न हुआ 549। और देख तो कहीं पे मटेरियल के बारे में और कुछ बोला है, कहाँ दिया है नीचे ना, मटेरियल ऑन हैंड दिया हुआ है, तो ये भी हमारा किधर जाएगा, बाय मटेरियल ऑन हैंड कितने रुपए, 188। चलो गया। उसके बाद और कहीं मटेरियल के बारे में कुछ बोला है, खत्म। हमेशा मटेरियल का काम पहले निपटा देना, क्योंकि मटेरियल में थोड़ा झमेला होता है, ठीक है। मिल गया पहला स्टेप, यही याद रखना क्या, मटेरियल का काम निपटाना है, निपट गया। अब जितने भी खर्चे हैं सबको डेबिट साइड में डाल दो, जितने भी खर्चे होंगे सबको डेबिट साइड में डाल दो। तो क्या क्या खर्चे है भाई देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, लेबर लिख दूं मैं, टू लेबर कितने का बेटा, 74,375। अच्छा नीचे उसका आउटस्टैंडिंग अक्रूड कुछ था क्या, हाँ वेजेस अक्रूड था ना, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ 74,375 और ऐड क्या कर दूंगा इसका, आउटस्टैंडिंग बोलो या अक्रूड बोलो, अक्रूड वेजेस, और वेजेस और लेबर एक ही होता है, याद रखना, कभी भी लेबर कहीं पे लिखा हो कॉस्ट अकाउंटिंग में या वेजेस लिखा हो दोनों सेम होता है, कभी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एकदम डिटेल से मैं इस पार्ट का पूरा बता रहा हूँ, याद रखना, इसके बाद मैं जनरली बोर्ड बहुत कम पकड़ता हूँ, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। उसके बाद फिर तुम लोग को बनाते जाना है, ठीक। तो कंसेप्ट क्या है, पहले मटेरियल डाले फिर सारे खर्चे डालेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अगर है, प्रीपेड होने से माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग होने से ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग अक्रूड दोनों सेम होता है, ठीक। चल डाल दी, कितना है वेजेस 2400, दोनों को ऐड कर दे बेटा, कितना आया 76,375। और खर्चे ढूंढो, प्लांट के बारे में छोड़ देते हैं क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन का कहानी है, बाद में देखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डाल दीजिए टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का बेटा, 31,669। फिर टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना, 4126। फिर टू और कुछ खर्चे, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अक्रूड था नीचे, देखो छूट गया ना हमारा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इसको क्या करें, इसको मैं मिटा देता हूं, पहले उसको पहले लिख लेता हूं, एट
अक्रूड एक्सपेंसेस, कितना अक्रूड एक्सपेंसेस है 240 रुपीज है। तो इस बात का ध्यान एकदम रखेंगे। देख अभी 767 ये कितना हुआ, ऐड करेंगे तो 3409। देख अभी मेरा बोर्ड था तो मिटा के हम कर लिए, एग्जाम में क्या होगा तेरा, काटना पड़ेगा। फिर बता अब 12 मार्क्स पूरा मिलेगा, एग्जामिनर को मौका मिल गया 1 मार्क्स 2 मार्क्स काटने का, ठीक है। तो ध्यान रखना, चल आगे देखते हैं। टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना होगा, टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 4126। उसके बाद अगला और क्या खर्चा है, देख ढूंढ। ऊपर से हो गया हमारा एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हो गया, मटेरियल रिटर्न डाल चुके हैं, सर्टिफाइड के बारे में बाद में बात करते हैं, मटेरियल ऑन हैंड हो गया, अनसर्टिफाइड है नॉट सर्टिफाइड उसके बारे में बाद में बात करते हैं, वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, और प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस दिया। अब तो कुछ नहीं दिया, जितने खर्चे होने थे सब आ गए। अब क्या कर, प्लांट का चीज कर ले, ठीक है। तो प्लांट का देखो, प्लांट का दो जगह कहानी बताया। पहला स्टेप क्या किया, मटेरियल का कहानी खत्म किया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जितने खर्चे हैं उसको डाल देंगे। अब तीसरा स्टेप में एसेट में जाएंगे, समझो ना, मटेरियल देन जितने खर्चे हैं वो, तीसरा में एसेट। तो एसेट का क्या कहानी है, एसेट का कहानी बोला हुआ है प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट 15,000। मतलब हम लोगों ने एक प्लांट लगाया था, एक मशीन लगाया था, जब लगाया था उसका दाम कितना था 15,000। और लास्ट में क्या बोला है कि भैये हमारा वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 31 दिसंबर आखिरी डेट में उसका दाम कितना हो गया, तो इसका मतलब 4,000 क्यों घट गया। तो तुम चाहो तो टू डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, बट मैं चाहूंगा ये प्रोसेस को नहीं फॉलो करके ऐसे दिखाना, टू प्लांट इंस्टॉल्ड, ठीक है, लिख दिए कितने रुपए का, और बाई साइड में दिखा दे बाई प्लांट एज ऑन 31/12/05/11,000। इससे क्या होगा बोल तो, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा प्लांट का वैल्यू कितना है। अगर मैं सिर्फ यहाँ 4,000 रुपया दिखा दू, ये 15 को हटा दो और ये 11 का हटा के सिर्फ 4,000 दिखाओ तो भी सेम आंसर आएगा, बट पता नहीं चलेगा कि हमारा प्लांट का वैल्यू कितना था, ठीक है। तो अभी हमको पता चल जाए कि शुरू पहली तारीख को हमारा प्लांट का वैल्यू कितना था 15,000 और आखिरी तारीख को प्लांट का वैल्यू कितना है, पता चला ना हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस यूज किया। तो क्या हुआ स्टेप, चौथा तीसरा स्टेप पे क्या है, एसेट आ गया। अभी चौथा स्टेप, पहला स्टेप मटेरियल, दूसरा स्टेप एक्सपेंसेस, तीसरा स्टेप एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग डाल दे, ठीक, ये ओपनिंग है वो क्लोजिंग है। अब क्या करोगे, डालोगे वर्क सर्टिफाइड, ये हमारा इनकम है। क्यों इनकम है, वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का ही तो पार्ट था और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा इनकम होता है, ठीक है, तो उसी का पार्ट है। तो वर्क सर्टिफाइड बाई वर्क अनसर्टिफाइड कितना बेटा, देख सर्टिफाइड है तेरा 195,000 और अनसर्टिफाइड कितना है, कहा है, हाँ मिल गया 45,000। सारा स्टेप डाले, चार स्टेप है। स्टेप क्या था समझ गए, स्टेप्स क्या था, अब मैं लिख देता हूं स्टेप। नंबर वन, पहले मटेरियल का झंझट खत्म कर। नंबर टू, ऑल एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे हैं उसका झंझट खत्म कर, कौन से साइड में जाएगी ये हमेशा डेबिट से। तीसरा क्या कर, एसेट्स का डाल, कौन सा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिट में जाएगा। चौथा सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड का जमीर आधार खत्म कर, बोल याद रहेगा स्टेप, ठीक है, कुछ फॉर्मेट इसका नहीं बन सकता है, तुझको इतने चीज याद रखने हैं, ठीक, डाल दिए। अब क्या करेंगे, पांचवा स्टेप, हम लोग फाइंड करेंगे नोशनल प्रॉफिट। कुछ लोग बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, उन लोग इसको नेशनल प्रॉफिट लिख देते हैं एग्जाम, ठीक है, तो इसको नेशनल नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है, नोशनल ही लिखना है। नोशनल, नोशनल का मतलब होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्यों, एग्जैक्ट प्रॉफिट तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पता चलेगा ना। अब ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नॉर्मल अकाउंट जैसे करते थे, क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड होगा, जो ज्यादा होगा डिफरेंस निकाल देंगे लेजर का बैलेंस करने का। तो चलो करते हैं, ये हमारा आ गया, इधर ही ज्यादा लग रहा है ना,
2129323232 ठीक है। अच्छा इधर का माइनस कर दो कितना आ रहा है डिफरेंस, माइनस करते रहो। अरे वीडियो में मेरा वॉइस के साथ तुम लोग का भी वॉइस आएगा, तुम लोग जो बोलोगे कि ये नंबर आया है, बाद में तुम लोग भी देखोगे हाँ सर हम लोग पढ़ाई करते थे क्लास में। 2828073 तो डिफरेंस कितना आया, 2827। अच्छा डिफरेंस निकला है 2827। इसको क्या बोलेंगे, टू नोशनल प्रॉफिट, और बेटा यहां पे लिख ले सीडी क्योंकि इसको नीचे लेके जाना है 212932। आगे पक्की बात है यहां तक, ये स्टेप पांचवा स्टेप तक समझ में आया सबको। अब क्या करेंगे, बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी करेंगे कितना 2827। डल गया, चल अभी छठा स्टेप क्या है हम लोग ने, यहां तक का काम समझ में आया तुम लोग को, छठा स्टेप क्या है, ये छठा स्टेप में ही झमेला है। फाइंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, भैया निकालो कि पीएल में ट्रांसफर होने के लिए क्या कितना अमाउंट पीएल में जाएगा, मतलब ये जो हमारा 28273 निकला है इसका कुछ पोर्शन पीएल में जाएगा, ये पूरा पोर्शन पीएल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा पता है, बताओ क्यों, क्योंकि इतना प्रॉफिट हो गया है तुम गारंटी से नहीं बोल सकते हो, क्या पता फ्यूचर में तेरा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग जाए, हो सकता है कि जो तूने काम कंप्लीट किया है वो खराब हो जाए, तो तुझे तो खुद से फिर से बनाना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से एक रूल फॉलो करना है, क्या रूल फॉलो करना है इसमें, एक रूल फॉलो करना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है, एग्जाम में बोलेगा नहीं, अगर बोल दिया तो अच्छी बात है लेकिन जनरली नहीं बोलता। क्या है रूल, तुझे क्या करना है, एक टर्म मैं बोल रहा हूं डीओसी, डीओसी का मतलब होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मैं पूरा ही लिख देता हूं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये कुछ नहीं है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ नहीं है, पूछता है कि भैया कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। डीओसी निकालने का तरीका होता है, मैं यहां लिखू कहां लिखू यहीं लिख देता हूं, डीओसी निकालने का तरीका होता है भैया वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू, डीओसी निकालोगे सबसे पहले, ठीक है, पहला काम क्या करोगे, फाइंड डीओसी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकल गया, ठीक, ये हमेशा निकालना है, ये क्यों निकाल लिया, मतलब सिक्स्थ स्टेप के लिए पीएल में ट्रांसफर करना है, इसके लिए डीओसी निकालने का, डीओसी निकाल लिया, अब रूल को समझते हैं, रूल इसलिए इसको मैं यहां से हटा के यहां लिखता हूं, रूल यहां लिखता हूं मैं डीओसी और यहां लिखता हूं फॉर्मूला, ठीक है, क्या नंबर वन, इफ डीओसी इज लेस देन 25%, अगर डीओसी तेरा 25% से कम आया तो पीएल में पीएल इक्वल्स टू होगा नील, पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा, तो एक रुपया भी पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक, तो डीओसी निकालना जरूरी है ना, क्योंकि डीओसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। दूसरा, अगर डीओसी तेरा 25% टू 49.99% के बीच में आया तो क्या होगा, पीएल होगा तेरा ऐसे, पीएल इक्वल्स टू 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये क्या है, कैश रिसीव्ड, सीआर मतलब कैश रिसीव्ड, डब्ल्यूसी मतलब वर्क सर्टिफाइड, एनपी मतलब नोशनल प्रॉफिट 1/3, पक्की बात है। अब अगर डीओसी तेरा 50% टू 90% के बीच में आया, 50 से 90 के बीच आया, तो ये 1/3 क्या चेंज हो जाएगा, पीएल इक्वल्स टू 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, बोल सही है। और अगर डीओसी क्या निकला 90.01% से लेके 100% के बीच में आया तो पीए फुल वैल्यू कितना, फुल पूरा का पूरा वैल्यू कहां चला जाएगा,
हो जाए। तो अभी हमारे क्वेश्चन में हमको चेक करना पड़ेगा ना कि डीओसी कितना है हमारा, तो जरा चेक करते हैं। तो डीओसी कितना है चेक करो, कितना है यहां मैं बीच में कर दे रहा हूं, हियर डीओसी इक्वल्स टू कितना है, क्या फॉर्मूला लिखा डीओसी का, वर्क सर्टिफाइड कितना था हमारा 1,95,000। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, देख तो 240 था ना शायद, 250 था, 250,000 इंटू 100 कर कितना है 78%। अब बता दो 78 हमारे वाले जो क्वेश्चन है उसमें 78% आया, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा, 1, 2, 3, 4 नंबर 3 लगा, पक्की बात है। तो हमारा हमने जो 28,273 रुपए जो कमाए हैं उसका थर्ड वाले फॉर्मूला को लगा के पीएल का वैल्यू निकलेगा, पक्की बात है। तो ये चार्ट क्या करना है तुझे, चिट बना के लेके जाना है, याद करना है, ठीक है। चलो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो चिट बनाने होंगे वाले होंगे ना वो तो मन में सोच लिया होगा, कोई बात नहीं सर, इसका भी एक पुर्जा बन जाएगा क्या। कितना होगा फॉर्मूला, कौन सा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, कितना था नोशनल प्रॉफिट 28,273 इंटू कैश रिसीव, देख तो क्वेश्चन में 1,80,000 है ना। अच्छा एक चीज याद रखना, कैश रिसीव फॉर्मेट में कहीं नहीं आएगा, कैश रिसीव का काम सिर्फ यहीं पे है, क्वेश्चन में कैश रिसीव रहेगा, दिमाग में ये मत लगाना कि सर कहां डाले कहां डाले, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइडेड बाय कितना बेटा, क्या है नीचे देख, वर्क सर्टिफाइड कितना 195,000 कितना पता, 1,7,3,9,8 तो 3,9,9 कर दे भाई इसको, चल टोटल कितना हुआ, ये आया 28,273 28,273 बेटा माइनस, इसको बोलेंगे टू रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। मतलब कहानी क्या है, हमारा अंदाजन हम लोगों ने 28,273 रुपया कमाए, लेकिन जैसा परिस्थिति है 78% काम कंप्लीट हो रखा है, हमको इतना रुपया पीएल में भेजना चाहिए और इतना रुपया बचा के रखना चाहिए। क्यों बचा के रखना चाहिए, कि फ्यूचर में अगर एक खंभा गिर गया तो क्या करना पड़ेगा, यहां से कंपेंसेट करेंगे। इज दैट क्लियर। अब एक बात बताता हूं, मैंने तुम लोगों को वर्क इन प्रोग्रेस का 3 पार्ट लिखाया था ना, क्या क्या लिखाया था, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड और रिजर्व। तो असल में ये दोनों, ठीक है, ये दोनों को एड करके इसको जब माइनस करते हैं उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसे जब तक बैलेंस शीट नहीं बोलेगा तब तक उसका जरूरत नहीं होता है। लेकिन याद रखना वर्क इन प्रोग्रेस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड माइनस रिजर्व, ये लिख के रख ले, अगर कहीं 2-3 मार्क्स में 1-2 मार्क्स में अगर आ गया तो वर्क इन प्रोग्रेस इक्वल्स टू सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड माइनस रिजर्व,